हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, यानी कि बॉय की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि कोई बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है। तो हम बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बस ये होगा। सो 30 मीटर, थोड़ा सा और, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके। अब बॉय की हाइट जो है 1.5 मीटर है, टॉल जो बॉय है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूअर्ड्स द बिल्डिंग। अब जो बॉय है, सपोज कर लो कि वो कहीं यहाँ पे कहीं भी है। अब वो जैसे बिल्डिंग के टूअर्ड्स जाता है, पहले तो बॉय का स्ट्रक्चर बना लें 1.5 मीटर, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर। अब ये जो बॉय है यहाँ से आगे की तरफ जाता है, ओके। सो ये टॉप से जो है 30 टू 60 डिग्री का बन जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम कुछ ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये टॉप हो गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पहले तो एक लाइन हम यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं और फिर ये ग्राउंड वाला हो गया पॉइंट, मतलब लाइन, ठीक है। अब ये इस पॉइंट से कुछ दूसरे पॉइंट पे जाता है, सपोज कर लो वो पॉइंट ये है। अब यहाँ से इसी टॉप को जब वो देखता है तो क्या हो जाता है, ये जो एंगल यहाँ पे 30 बन रहा था, अब ये बढ़ के 60 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जैसे ही हम टूवर्ड्स द बिल्डिंग या फिर कोई कुछ और भी ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे हम उसकी तरफ जाएंगे, अगर हम टॉप को देख रहे होंगे तो जो हमारा ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये बॉय इतना था, ये जो हाइट है बिल्डिंग की ये 30 मीटर है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग की तरफ ये जो गया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चल के गया है। तो वैसे बहुत ये क्वेश्चन इजी है, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। लेकिन आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा तो, ओके। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका रिप्लाई और उसके ऊपर एक न्यू वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये एस, इस पॉइंट को मान लेते हैं एस, और ये वाला पॉइंट हो गया टी, और ये हमारा ए, और ये हमारा बी। सो यहाँ पे लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पी क्यू इज बिल्डिंग एंड, ये तो पी क्यू जो हो गया, ये पी क्यू जो है ये बिल्डिंग हो गया, एंड जो ये एस है, तो एस इज अ टॉल 1.5 मीटर टॉल बॉय, ऐसे हम कुछ भी लिख देते, मतलब ऐसे लिख देते हैं, एंड एस इज अ बॉय 1.5 मीटर टॉल, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ओके। अब क्योंकि अगला चीज बोला है, ठीक है, एज ही मूव्स फ्रॉम एस टू टी, जो पहले जो लड़का था यहाँ पे ग्राउंड में ये जो पॉइंट पे खड़ा था, इसको एस बोलेंगे, एस से ये टी की पॉइंट पे तक यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो एज ही मूव्स फ्रॉम एस टू टी, ओके, लिख देते हैं कहाँ पे, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, टूवर्ड्स द बिल्डिंग।
तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? अब क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, अब 30 मीटर गिवन है, देयर फॉर जो पी आर होगा, यानी कि ये वाली हाइट जो एक्चुअल हाइट है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ से फॉर्म हो रहा है ना, ग्राउंड से पॉइंट पे से नहीं फॉर्म हो रहा कि हम टोटल 30 बिल्डिंग की हाइट लेंगे, वो इस पॉइंट से हो रहा है, यानी 1.5 मीटर ये इक्वल होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, तो उतना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें एक न्यू वैल्यू पी आर हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब पी आर जो ये वाली पॉइंट है, तो पी आर जो होगा आपका पी क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा, ये आर पॉइंट, तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो अब 30 माइनस 1.5, ओके, सो ये आ जाएगा 28.5 जो पी आर की वैल्यू है। अच्छा, इसका बाद में हमें यूज़ होगा, तो मैं इसको जस्ट पॉइंट के ना लिख कर कि बाद में इजी पड़े हमें कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे 57/2 लिख देता हूँ, 57/2 मीटर, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बिल्डिंग की हाइट के फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, वो आप इसमें देख सकते हो कि इन ट्रायंगल देखो जो ये वाला है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें ये जैसे टोटल फाइंड पता हो और ये वाली डिस्टेंस पता हो, ओके, मतलब ये टोटल कहने का मतलब ए आर पता हो मुझे और बी आर पता हो, मैं इन इसमें माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना, सिंपल है, और ये तो कॉमन ही है, ओके। सो अब ले लेता हूँ इस ट्रायंगल में, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का पी ए आर, इन ट्रायंगल पी ए आर, पी ए आर में आपका एक मिनट, जस्ट पी आर यानी परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ए आर ये बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 30, यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, 30 का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब पी आर की वैल्यू सिंपल सी बात है कि अभी हमने फाइंड आउट किया था 57/2, यहाँ पे हमने लिखा था ना 57/2 अपॉन में ए आर एज इट इज मैं लिख देता हूँ, और साइन सॉरी 10 30 जो है 1/√3 होता है, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57√3/2 मीटर, ये मुझे ए आर की वैल्यू मिल गई। अब फिर से वही कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, इन ट्रायंगल, अब क्योंकि पी ए आर बड़े वाले ट्रायंगल को लिया था, तो इस बार पी बी आर ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी बी आर, फिर से वही हो जाएगा पी आर बाय इस बार होगा बी आर, ये वाला पॉइंट पी है और ये आर है, तो ये बी आर इज इक्वल टू 10 60, ओके। सो पी आर की जगह पे यहाँ पे तो 57/2 हो जाएगा, ओके, और बी आर की जगह पे वैसी एग्जैक्ट वही हम लिख देंगे, और सॉरी 10 60 जो होता है आपका √3, ओके। सो इस तरीके से चला जाएगा, एंड √3 बी आर इज इक्वल टू 57/2, ओके। सो अब यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 57/, अब ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि कभी भी हम अंडर रूट की जो वैल्यू है वो नीचे नहीं रखते, तो ये 57/2√3 इंटू में √3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम, और डिवाइड भी। सो ये देखो, इससे ये जब ये 57 बन जाएगा, 57√3, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, और 3 इंटू 2 6 बन जाएगा,
या मैं इसको वापस से अच्छे से आप लोगों को समझ में आए तो 3 × 2 लिख दे रहा हूँ। और अगर मैं ये क्रॉस करूँगा ठीक है, जो कैंसिल होगा तो ये 19 बचेगा, तो 19√3/2, ये जो BR की वैल्यू है मीटर, इतना हमें मिल गया। ओके, तो अब इसके, क्योंकि अभी हमें डिस्टेंस बताना है, जो अभी मैंने बताया था ना कि हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैंने एक टोटल फाइंड आउट किया। ओके, उसमें से मैं BR को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो लिखते हैं जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ST। देख सकते हो ये वाला पॉइंट S और ये वाला पॉइंट T है, तो ST। ओके, तो ST इज इक्वल टू AB, क्योंकि सेम है, जस्ट उसके पैरेलल ही है, तो डिस्टेंस ST इज इक्वल टू AB, जो होगा AR, ये प्रॉपर, ये पूरी वैल्यू ठीक है, माइनस ये जो हमने छोटी वाली वैल्यू फाइंड आउट किया था, AR माइनस BR, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब AR की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 57√3/2, 57√3/2 माइनस 19√3/2। ओके, अब यहाँ पे ये एलसीएम वैसे एग्जैक्ट आ जाएगा, तो √2, 57√2 नहीं है, सिंपल 2 है, 57√3, √3 माइनस 19√3। ओके, अब क्योंकि ये 2 वैसे के वैसे ही रहेगा, अब इसमें से माइनस के 38 बचेगा 19 के टेबल में, ठीक है, और ये अंडर रूट वैसे ही, अब फिर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 19, यानी कि 19√3 मीटर जो डिस्टेंस है ये उसने ट्रैवल किया है।